मैं इधर जाऊंगा यहाँ पे। ये फ्रॉड ही है पूरे पूरे, मैं बता रही हूँ अगर इनकी कोई है ना मशरूका तो इन पे यकीन ना करें। पाकिस्तान में फीका फीका प्यार है, प्यार बड़ा करते हैं सबरे ना, लेकिन यहाँ पे हाँ। मेरा पसंदीदा मुल्क अमेरिका ही है क्योंकि अमेरिका के हम कर्जाई है, अमेरिका ने बहुत सारी हमारी मदद की है। मैं तो पाकिस्तान चूज करूंगा। बड़ी बात है सोच ले, क्या पता मैं सच में अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ आपके लिए। मुझे मिल चुकी है अपॉर्चुनिटी, मैंने अमेरिका को ठुकरा के पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी। जो मर्जी आ जाए अमेरिका, मुझे डॉलर से तोल के भी ले ले, अमेरिका मेरे घर को डॉलर से भर दे। गोरी का रिश्ता आ गया फिर कुछ भी आ जाए, मेरी जूती की नोक पे है अमेरिका ये वाला एटीट्यूड और गोरियां भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी के साथ मैं हूँ सोबिया सुल्तान। नाज़रीन आज मेरे पास एक नया सवाल है, सवाल हमारा ये है कि मेरे हाथ में है दो मुल्क के झंडे, आखिर आपका पसंदीदा मुल्क कौन सा है और आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? आप अगर जानते हैं, बल्कि जानते तो होंगे, तो नीचे मौजूद कमेंट्स में बताइएगा। तब तक हम जानते हैं यहाँ लोगों से। मेरे हाथ में दो तस्वीरें हैं, ठीक है, ये तो पाकिस्तान है, ये अमेरिका। अच्छा, किसको सपोर्ट करती है, मतलब स्पोर्ट इस सेंस में कि फेवरेट कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अमेरिका में रहने की परमानेंटली, और ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो है ही है, लेकिन अगर मिलती है ठीक है, तो किसको चूज करेंगे? मुझे मिल चुकी है अपॉर्चुनिटी, मैंने अमेरिका को ठुकरा के पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी है। ओ जी, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या वजूहत है कि आपने अमेरिका को ठुकरा दिया, वरना आपका फ्यूचर तो बड़ा ब्राइट है यहाँ पे। ब्राइट फ्यूचर तो मैं पाकिस्तान में बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में अपना नाम बनाना है, ना कि अमेरिका में। अमेरिका में मुझे कौन जानेगा, कोई भी नहीं। इतना तैयार शहर होके आए, अम्मी को पता है? हाँ, अम्मी को बता रही हूँ। क्या बता के, एकेडमी पढ़ने जा रहा हूँ? नहीं, एकेडमी इस टाइम कौन सी एकेडमी है? अच्छा, ये क्या क्या है, शॉपिंग करने जा रहा हूँ? एकेडमी का ओवर टाइम शुरू हुआ है। अच्छा जी। अच्छा आमिर, मेरे पास ना एक दो बल्कि झंडे हैं, ठीक है, एक पाकिस्तान के और दूसरा अमेरिका के, ठीक है, आपका पसंदीदा मुल्क कौन सा है? है तो पाकिस्तान, लेकिन मैं यहाँ जाना चाहूंगा। है तो पाकिस्तान, वो कहते हैं ना प्यार तो है तुमसे लेकिन अम्मी नहीं मान रही, नहीं ये मान वो वाला हाल है आपका। अच्छा, ये मुझे पसंद है लेकिन हम रहते इधर है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है इन दोनों में से किसी एक मुल्क में रहने की, कहाँ पे रहेंगे? मैं इधर जाऊंगा यहाँ पे। ये फ्रॉड ही है पूरे पूरे, मैं बता रही हूँ अगर इनकी कोई है ना मशरूका तो इन पे यकीन ना करें। कोई भी नहीं है। अच्छा जी, कोई भी नहीं है। तो ऐसी क्या वजह है कि आप पाकिस्तान को निग्लेक्ट कर रहे हैं और अमेरिका को चूज कर रहे हैं? पाकिस्तान में महंगाई बहुत हो गई है। हाँ। पेट्रोल देख रहे हैं आप किधर जा रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें महंगी, लेकिन आप पैदा तो यहाँ पे हुए ना, आपकी पहचान तो पाकिस्तान है ना। तो पहचान ये है तो किस्मत यहाँ लेगी खींच के मुझे, कोई खींच के नहीं किस्मत लेके जा रही है, आप खुद खींचना चाह रहे हैं, ठीक है। मेरे हाथ भी तो तस्वीर है, ठीक है, कौन कौन से मुल्क है? पाकिस्तानी और अमेरिकन है। ठीक है, अमेरिकन के अमेरिका अमेरिका हाँ, अच्छा अमेरिकन है। एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, इन दोनों मुल्क में से आपका पसंदीदा मुल्क कौन सा है? ये तो पूछने वाली बात है नहीं है, जहाँ हम रहते हैं पाकिस्तानी मुल्क में। अच्छा, आपका पाकिस्तान जो है वो फेवरेट मुल्क है? जी बिल्कुल। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है पाकिस्तान की और अमेरिका की, किसी एक मुल्क में रहने, कहाँ पे रहेंगे? पाकिस्तान में रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रहता भी यही हूँ और रहूंगा भी यही। तो अगर अमेरिका की कोई अपॉर्चुनिटी आए आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जो मर्जी आ जाए अमेरिका, मुझे डॉलर से तोल के भी ले ले, अमेरिका मेरे घर को डॉलर से भर दे। गोरी का रिश्ता आ गया फिर कुछ भी आ जाए, मेरी जूती की नोक पे है अमेरिका ये वाला एटीट्यूड और उनकी गोरियां भी, सब कुछ। एक सवाल है, ये मेरे हाथ में ना दो तस्वीर है, एक है पाकिस्तान की और दूसरी है अमेरिका की, ठीक है, इन दोनों ममालिक में से कौन सा मुल्क आपका फेवरेट है? वैसे अगर आपको सच बात बताऊं तो आपने तो ये दोनों मुल्क की जो मुझे तस्वीर दिखा के ना वो हिसाब कर दिया, कोई मिसाल नहीं, धोबी का कुत्ता ना गड़ना घाट का, मतलब एक टांग पाकिस्तान के साथ और दूसरा अमेरिका, जिसके बाद जिसके बगैर रह भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे मेरे रिश्तेदार रहते हैं। अच्छा, तो अभी आप कहाँ रहना पसंद करेंगी, पाकिस्तान? मैं ये चीज़ समझ, देखें पाकिस्तान जो है ना वो हमारी पहचान है। हाँ। मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करती हूँ, एक बात मुझे इसमें रहने वाली भी इसमें नहीं, मेरा होता है कि मैं रहूँ पाकिस्तान में। फीका फीका प्यार है, प्यार बड़ा करते हैं सबरे ना, लेकिन यहाँ पे हाँ, लेकिन मेरा ये है कि मैं रहती पाकिस्तान में हूँ, लेकिन मैं अपनी छुट्टियों के लिए जाती हूँ अब्रॉड। अच्छा। हमेशा मैं जाती हूँ। अगर सपोज परमानेंटली रहना पड़े इन दोनों तो मैं अमेरिका अमेरिका प्रेफर करूंगी। ओके, आओ जी। सर मेरे हाल में दो तस्वीरें हैं, एक पाकिस्तान की और एक अमेरिका की। अच्छा, कौन सा आपका पसंदीदा मुल्क है? मेरा पसंदीदा मुल्क अमेरिका ही है क्योंकि अमेरिका के हम कर्जाई है, अमेरिका ने बहुत सारी हमारी मदद की है, तो पसंदीदा है। क्योंकि अमेरिका जिसको चाहता है वो आता है, हमारे हमारी राय से वोट हुक्मरान नहीं आते।
अच्छा, तो इसलिए आपका पसंदीदा मुल्क अमेरिका है? हाँ, इसलिए। तो सर अगर आपको एक मौका मिलता है रहने का पाकिस्तान में या अमेरिका में, कहाँ पे रहेंगे आप? अमेरिका में रहेंगे क्योंकि अमन है, सुकून है, यहाँ अमन नहीं है या कानून नहीं है। सोचा जो पाकिस्तान बनाया कि असी इन इस्लाम दे रंग ना रंगांगे, प्यार से मोहब्बत ना रहवांगे, लेकिन वो चीज नहीं है। लेकिन सर आवाम ते हल्ले भी रंग रही है ते हुक्मरान है जेड़े नहीं रंग रहे। नहीं नहीं, गल हुक्मरान दी आवाम दी नहीं, साडा काम खता करना है, हुक्मरान दा काम है कानून नाफज करना, सजा देना। अगर जो खुदा के नजर करता काम के मुताबिक फैसला नहीं करते, अगर तुम मेरी दुनिया में फासिक और फाजर देखना चाहो तो ये लोग है, असली नहीं है। जी, मेरे हाथ में दो झंडे हैं, कौन कौन से हैं? एक पाकिस्तान का है, एक यूएसए का। ओके, तो इन दोनों में से आपका पसंदीदा मुल्क कौन सा है? Obviously, पाकिस्तान को चूज करूंगा मैं। Obviously. अच्छा, अगर पाकिस्तान और अमेरिका में आपको ऑप्शंस मिलती हैं परमानेंटली रहने की, तो कहाँ पे रहेंगे? मैं तो पाकिस्तान चूज करूंगा। बड़ी बात है सोचने, क्या पता मैं सच में अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ आपके लिए। पाकिस्तान, always पाकिस्तान इस पे। मेरे पास ना दो झंडे हैं, एक पाकिस्तान का और दूसरा अमेरिका। जी, यूरोप। तो आपका पसंदीदा मुल्क कौन सा है? Obviously, I am पाकिस्तानी, तो I select this. ओके, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है पाकिस्तान में रहने की जी और अमेरिका में रहने की परमानेंटली, तो किसको चूज करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को चूज करूंगा, बिकॉज आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, हम प्यार करते हैं इसे। अगर जॉब यहाँ से पढ़ लेते हैं, जॉब की अच्छी ऑफर आती है अमेरिका से, फिर मैं फिर भी नहीं जाऊँगा ऐसी, मतलब इतना भी क्या यार? उसकी रीजन ये, अगर हम अपनी ही कंट्री, अपने मुल्क के भी हुक्मरान हमें लूट ही रहे हैं। बिल्कुल लूट, लेकिन अगर हम अपनी कंट्री को खुद पढ़ लिख के सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर से लोग आगे तो नहीं करेंगे। इसका मतलब तो फिर इन फ्यूचर में हम अमेरिका या कनाडा सेटल हो जाएंगे और पाकिस्तान तो फ्लॉप रह जाएगा, उसका तो नाम ही नहीं रह जाएगा। तो फिर हम लोग अगर इस तरह करेंगे तो फिर जो बाहर की कंट्रीज हैं वो तो आगे ही चीज जाते। पसंद आप इस मुल्क को करते हैं, ठीक है? आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है या इस मुल्क में, या इस मुल्क में आपने परमानेंटली रहना है, कहाँ पे रहेंगे आप? परमानेंटली तो मैं इस जगह पे रहूंगा, हाँ अगर विजिट के लिए मुझे जाना पड़े तो ऑब्वियसली मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको यहाँ पे? नहीं, वो मिलती भी रहती हैं, कोई मसला नहीं है, बट इशू इज डेट कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में रहूंगा। आजकल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी अमेरिका है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान लेकिन जरूरी अमेरिका है, क्यों? बात यह है कि यहाँ के, ये देख लो पाकिस्तान के लिए ना आपका प्यार, प्यार है वो मसला नहीं है, नहीं प्यार भाई, गाँव हमारा रहन सहन पाकिस्तान में ही है। हाँ। लेकिन मसला ये है कि आजकल हमारे पाकिस्तानी गिरदार जो इस मुल्क को तबाह बर्बाद करने में 101 बड़ा उनके साथ हैं, तो इसलिए हम अपने मुल्क में रह के खुश नहीं। तो पाकिस्तान और अमेरिका में दोनों में, अगर दोनों ममालिक आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं परमानेंटली रहने की, तो किस मुल्क में आप रहेंगे? पाकिस्तान में रहूँगा। देख लो, सोच लो। पाकिस्तान में रहूँगा, यहाँ पर हमें 100 किस्म की आज़ादी है, हम अगर ना बात कर सकते हैं वहाँ पे, तो हमें तो हमें तो वो टैग लगाते हैं कि दहशत गर्द है, टेररिस्ट हैं, ब्लैकलिस्ट डालते हैं हमें कुछ, हमने तो वहाँ नहीं देते, हमारे पासपोर्ट को इज्जत नहीं है। हम तो वहाँ रहेंगे ना जहाँ पे हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत नफ्स की हिफाजत की जाती है। हाँ। हमने क्या लेने जाना है? अच्छा, पाकिस्तान में कितनी सी इज्जत मिलती है? करो जुतियाँ तो नहीं पहनिया? अल्लाह माफ करे, कभी नहीं पहनिया मैं, लेकिन यह है कि उतनी इज्जत है, उतनी इज्जत जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि बड़े लोग थे जो पाकिस्तान की मोहब्बत में इतने पागल हैं कि इस सब के बाद भी वो पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे, और बड़े ऐसे लोग हैं जो पसंद तो पाकिस्तान को करते हैं लेकिन वो रहना अमेरिका में चाहते हैं। इसी के साथ दीजिएगा हमें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।